हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू सोलो कॉन्करर लॉबी गेम प्ले के अंदर। तो ये वाले गेम के अंदर एंड में अपने साथ बहुत ही खतरनाक वाले सीन होने वाले हैं। यहाँ पे अभी भी आप लोग एस या एस मास्टर पर अटके हुए होंगे, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाले हैं। जहाँ पे मैं उतरता हूँ इवेंट पे, वहाँ पे एक और बंदा उतर चुका था एंड उसको पहले मार देने के बाद सामने की तरफ एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। ये वाले बंदे को भी मारने के बाद अपने यहाँ पे हो चुके थे 2 किल्स एंड सामने की तरफ और बंदे लैंड कर रहे थे। यहाँ पे नीचे की तरफ से 2 बंदे फाइट कर रहे थे, तो एक बंदा नॉक होता है तो मैं सीधा ही रस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने परफेक्ट साउंड सुन के जो 2 बंदे फाइट कर रहे थे, मैं उसके अंदर थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुका था एंड अपने को ये वाला बंदा इजी सी किल दे देता है। यहाँ पे मैं थोड़ा अपना लूट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लूटने के लिए आता ही हूँ कि यहाँ पे ये वाला बंदा M249 का स्प्रे मार के अपने को यहाँ पे 25 HP तक छोड़ देता है एंड वो वाला बंदा तुरंत ही अपने पे रश कर देता है। तो अपन आगे की तरफ जाके उस पर क्लोजिंग करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा चौक हो जाता है एंड ये वाला बंदा अपने को पूरा ही भर देता है। यहाँ पे इसे मारने के बाद मैं सीधा यहीं पे जॉर्जो पुल की साइड उतर जाता हूँ। आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि जब भी प्लेन स्टार्ट हो वहीं पे जंप कर लो एंड वहाँ के छोटे मोटे कंपाउंड्स लूट लो। जैसे कि मैं ये वाले स्क्वाड हाउस की साइड जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे लूट भी मिल जाएगी एंड गाड़ी भी मिल जाएगी। ये वाली जगह पे मैं इसलिए उतरा था कि मेरे को यहाँ पे गाड़ी मिल जाती, बट यहाँ पे गाड़ी नहीं रहती है तो मैं यहाँ से सीधा जॉर्जो पुल की तरफ चले जाता हूँ पैदल पैदल। यहाँ पे कोई भी बंदा था ही नहीं, तो मेरे को मारने वाला कोई बंदा ही नहीं था, तो मैं इजीली यहाँ से उधर की तरफ चले जाता हूँ। आप लोगों को भी यही वाला ट्रिक ट्राई करो एंड छोटे मोटे कंपाउंड पे उतरो जहाँ पे इजीली गाड़ी मिल जाए। यहाँ पे अपना किस्मत इतना अच्छा था कि जॉर्जो पुल में कोई भी बंदा नहीं था, तो अपन फटाफट से यहाँ पे लूट कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये वाले कंटेनर के अंदर बैठ जाते हैं। क्योंकि अभी भी अपने पे जोन था तो अपन को 2 जोन तक होल्ड करना था, तो यहाँ पे आके अपन होल्ड करने लगते हैं। आप लोग ये वाला टिप्स को फॉलो करो, जहाँ पे आपका लूट थोड़ा सा भी कंप्लीट हो जाए, हीलिंग्स मिल जाए, तो एक जगह पे बैठ जाओ एंड गाड़ी का इंतजाम कर लेना एंड ज़्यादा टाइम तक फाइट करने भी मत जाओ। जब तक 4th zone कंप्लीट ना हो जाए तब तक किसी भी बंदे के साथ फाइट मत करो। आप देख ही सकते हो मैं यहाँ पे आके पूरा टाइम तक यहीं पे वेट करने वाला हूँ। यहाँ पे अपन होल्ड कर ही रहे थे कि बीचवाए वाले ने अपने लिए यहाँ पे 2 बॉट्स का इंतजाम करके रखे थे, तो यहाँ पे अपने हो चुके थे 4 किल्स एंड अभी एक और बॉट आएगा तो 5 किल्स हो जाएंगे एंड अपन यहाँ पे एंड 4th zone तक वेट करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे 4th zone बनता है तो अपन ये वाला इमरजेंसी पिकअप यहाँ से मिल जाता है अपने को, तो ये वाले यूज़ करके मैं सीधा 4th zone के अंदर एंट्री ले लेता हूँ एंड ऐसे जगह पे जाता हूँ कि वहाँ पे कोई भी बंदा ना हो। बट अपना किस्मत, ये जब भी इमरजेंसी पिकअप लेता ही हूँ जहाँ पे भी लैंड करता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई बंदा तो मेरे को स्पॉट हो ही जाता है, तो उसके साथ अपने को फाइट करना पड़ता है एंड ये वाले गेम में भी सेम वैसा ही सिचुएशन बन चुका था। यहाँ पे जैसे मैं ये वाला इमरजेंसी पिकअप लेके जो उनके अंदर एंट्री लेने ही वाला था एंड जहाँ पे उतरता हूँ वहाँ पे एक और बंदा होल्ड करके बैठा हुआ था एंड फिर इंजॉय करना वाली फाइट एंड अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा देना, क्योंकि अपने YouTube पे 2K सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पे ये वाला बंदा हल्का सा मेरे को दिख जाता है तो मैं कवर में आके मैंने बोला ही था पहले ही, जब भी मैं इमरजेंसी पिकअप लेके कहीं पे भी उतरता हूँ तो कोई ना कोई बंदा स्पॉट हो ही जाता है एंड ये वाले बंदे के साथ फाइट करके अपने यहाँ पे हो जाते हैं 6 किल्स एंड यहाँ पे वापस से अपना मेन स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं
एंड जैसे ही मैं यहाँ पे ये वाले बंदे को मारता हूँ तो यही वाली जगह पे होल्ड करने लगता हूँ, क्योंकि अपने पे अभी बैक टू बैक जोन्स बनने वाले हैं, तो देखना क्या होता है। आप लोग भी अगर किसी को मारो एंड वहाँ पे हल्का सा भी जोन है तो वहीं पे होल्ड करने का ट्राई करो, कहीं पे आगे पीछे जाने का ट्राई मत करो, क्योंकि आगे जाओगे तो और मरोगे, उससे अच्छा जहाँ पे जोन है वहीं पे होल्ड करो। एंड ये वाला मैका रोबोट एक दो बंदे को मारता है आगे की तरफ से, एंड अपन यहीं पे से घर के बाहर से नहीं निकलते, क्योंकि अगर निकलते तो ये वाला रोबोट अपने पीछे पड़ जाता। यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं कि डेली प्लस कितना करना चाहिए एंड कितना नहीं। तो जो भी एस पे है वो अभी भी 150 पॉइंट्स से लेके 100 पॉइंट्स तक करना ज़रूर से कॉन्करर हो जाएगा। एंड जो भी बंदे अभी भी एस मास्टर पे है तो उनको 70 से लेके 100 पॉइंट्स तक का प्लस करना पड़ेगा डेली, तो जल्द से जल्द कॉन्करर कम्प्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो एक और बंदा अपने सामने जैकपैक लेके आ जाता है, एंड फिर देखो क्या होता है वो वाले बंदे के साथ। यहाँ पे आप लोग नोटिस करो कि मैं जब से वो वाले बंदे को मारा हूँ तो यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ये वाला ट्रिक को फॉलो करो एंड इजी कॉन्करर करो। यहाँ पे ये वाले बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ एंड सीधा रस करके ये वाले बंदे को पूरा ही भर देता हूँ, एंड अपने यहाँ पे हो जाते हैं 7 किल्स। यहाँ पे अपना लक बहुत ही अच्छा था कि यही वाली जगह पे तीसरा जोन भी बन जाता है, एंड अपन यहाँ पे होल्ड कर ही रहे थे कि एक और बंदे का रोटेशन आता है एंड वो वाला बंदा अपने कंपाउंड्स पे ही रुक जाता है। एंड फिर देखो यहाँ पे ये वाले बंदे को पता था कि इधर एक और बंदा हो सकता है, तब भी ये वाला बंदा मेरे पे रस करने के लिए आ जाता है एंड इसको अपन भर देते हैं। अपने यहाँ पे हो जाते 8 किल्स। यहाँ पे ये वाले बंदे ने गलती की, वो भी गलती आप सभी लोग करते ही हो, तो पहले ये वाले कंपाउंड्स पे रुकने से पहले अपने पास बग्गी है तो बग्गी को पूरा घुमाओ वो वाले कंपाउंड के आजू बाजू एंड चेक करो कि कोई बंदा है कि नहीं। अगर बंदा है तो आगे वाले कंपाउंड जाके चेकआउट करो, अगर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे रुक जाओ। अगर ये वाले बंदे की जैसे आप लोग करोगे तो माइनस तो होना पक्का है, छोटी छोटी गलतियों से आपका माइनस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वो वाली गलती ना करो तो बहुत ज़्यादा ही वो वाले गेम के अंदर प्लस मिलेगा। यहाँ पे ये वाले बंदे को मैं कार स्प्रे से गिराने का ट्राई कर रहा था, बट ये वाला बंदा अपने कंपाउंड्स पे आके वापस से रुक जाता है। एंड ये वाले बंदे को मैं मारने के लिए ग्रेनेड्स वगैरह के ट्राई कर रहा था, सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा ही ग्रेनेड कर रहा था। यहाँ पे मैं उसके फुटस्टेप के हिसाब से उस पर ग्रेनेड कर रहा था, मेरे को जहाँ जहाँ से फुटस्टेप आ रहा था मैं वहाँ वहाँ पे ग्रेनेड कर रहा था। एंड जैसे ये वाला ग्रेनेड वहाँ पे फटा तो ये वाला बंदा इधर आ गया, एंड फिर देखो यहाँ पे ये वाले बंदे को मेरा पोजीशन अभी तक भी नहीं पता था। अगर ये वाले बंदे के पास थोड़ा सा भी सेंस होता तो ये वाला बंदा पहले अंदर की तरफ ग्रेनेड फेंकता। फाइनली अपने आगे से यहाँ से जोन हट चुका था एंड अपने सामने एक और बंदा था, तो पहले मैं यहाँ से स्मोक कर देता हूँ एंड गाड़ी लेने का ट्राई करता हूँ। गाड़ी तो मिल जाती है बट सामने की तरफ से जैसे मैं रोटेशन लेता हूँ तो फिर वो वाला बंदा देखो क्या करता है। यहाँ पे अपने हो चुके थे 9 किल्स एंड ये वाला बंदा अपने को पूरा ही भर देता है एंड अपना यहाँ पे हो जाता है #3 के साथ 20 का प्लस। तो मिलता है ऐसे ही वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड पीस आउट, बाय बाय।